पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन हस्तगत कराया गया। ज्ञापन में जिलाधिकारी से मांग की गई है कि जल्द से जल्द मंदिरों के आसपास साफ सफाई कराई जाए। साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नवरात्रों के चलते मंदिरों के आसपास जो भी मीट मांस कबाब की दुकानें हैं उन्हें पूर्ण रूप से बंद कराया जाए। इसी के साथ वहां पर मंदिर तक जाने वाले जो भी रास्ते हैं उस पर अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमण को तोड़ा जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र आंदोलित होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज प्रदर्शन और ज्ञापन इसलिए है कि 3 दिन बाद नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। शहर में जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि खुली हुई मीट की दुकानें, शहर में गंदगी, मंदिरों के आसपास की व्यवस्था, मंदिरों की बिजली व्यवस्था, मंदिर की सफाई व्यवस्था, इन सब के संबंध में जिलाधिकारी मुरादाबाद को एक ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि नवरात्रों में मंदिर और उसके आसपास की व्यवस्था अच्छी हो सके। और वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है, जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों के 500-500 मीटर के एरिया में सड़कें नहीं बन रही हैं और बन गई हैं। लेकिन जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, जैसे मुरादाबाद कचहरी से काली के मंदिर जाने वाले रास्ते पर बहुत लोग और महिलाएँ स्पेशली रात को जाती हैं, और चूँकि रास्ते में बहुत सारी मीट की खुली दुकानें हैं, तो हम निवेदन करना चाहते हैं लोकल प्रशासन से कि मीट की खुली दुकानें, कबाब की दुकानें जिससे बदबू उड़ती हो, गंध उड़ती हो, इनको कृपया करके नवरात्र काल में बंद रखा जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।